गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 5 अक्टूबर 2023 और आज मैं ले आई हूँ आप सभी को अपने पुराने घर यानी मेरे पहले विला में शिफ्टिंग के पहले के 3 BHK घर को दिखाने के लिए। इसको दिखाना इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं आने वाले समय में अगर कंपेयर करूँ अपनी बातों में कि हाँ फ्लैट और विला में क्या डिफरेंस है, तो आप समझ सकें कि इसके पहले हम कैसे रहते थे, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, विला में शिफ्ट करने के बाद क्या चेंजेस आ गए और फ्लैट में लाइफ कैसी होती है, विला की लाइफ कैसी होती है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊं कि हम पहले कहाँ रहते थे और वो सेटअप कैसा था। तो ये लिविंग रूम है और सबसे पहले जो आपने एक लोहे की गेट देखी वो हमारा एंट्रेंस था, हमने एक और एडिशनल डोर डाला हुआ था वुडन डोर के आगे। ये हमारा लिविंग रूम है, तो सोफ़ा ऑलरेडी विला में मूव कर चुका था, हम धीरे धीरे सामान यहाँ से मूव कर रहे थे एंड मेरे पास दो दो डाइनिंग टेबल थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बाई प्रोफेशन एक टीचर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाती थी, अभी भी पढ़ाती हूँ डेफिनेटली, तो ये टेबल एंड चेयर मुझे यूज़ हो जाते थे उनको बिठाकर पढ़ाने के लिए। ये मेरी लाइब्रेरी है लिविंग रूम में एंड घर का सेटअप थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो रहा था और क्योंकि हम साथ में शिफ्टिंग भी कर रहे थे छोटी मोटी, ऊपर में हमने काफ़ी सारी फॉल सीलिंग एंड डेकोर करवाया हुआ था। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा टीवी यूनिट है एंड हर जगह जहाँ कहीं पर भी थोड़ी सी भी वॉल पे हाइलाइटिंग हमने करवाई थी तो वहाँ पे हमने प्रॉपर फॉल सीलिंग करवाई हुई थी ऊपर में। ये उससे अटैच्ड लिविंग रूम से अटैच्ड बालकनी है हमारा, तो वहाँ पर भी मैंने ग्रीन ग्रास बिछाया हुआ था एंड प्लांट्स रखे हुए थे। उसके बाद मेरा झूला जो आप अभी देखते हैं वो यहाँ पर मैंने वापस से यहाँ की बालकनी में सेट कर दिया है। काफ़ी स्पेशियस था हमारा 3 BHK, 3 बेडरूम्स थे एंड 3 बाथरूम्स भी थे एंड 3 बालकनीज भी थी और ये हमारे लिविंग रूम का पूरा सेटअप था। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बोली मैंने हटा ली थी बिकॉज कंटिन्यूसली पैकिंग भी चल रही थी शिफ्टिंग के पहले। ये हमारा किचन है, किचन से लगा हुआ हमारा पूजा यूनिट था और यहाँ पर भी हमने अच्छे से लाइटिंग करवाई हुई थी। लिविंग रूम से अटैच्ड हमने एक यूनिट बनवाया था, बेसिकली हम उसको शोकेस कह सकते हैं, तो शोकेस पर्पसेस के लिए हम लोग उसको यूज़ कर रहे थे। पर्पस था स्टोरेज प्लस जो भी है स्पेसिफिक आइटम्स को डिस्प्ले करना। ये किचन था हमारा, किचन में हमने इस साइड में फ्रिज रखा हुआ था, ये लॉन्ग कैबिनेट विथ माइक्रोवेव का स्पेस था मेरा एंड देन सामने में आपने देखा होगा मेरी चिमनी लगी हुई है वहाँ पे। हमारा वहाँ का स्लैब ब्लैक कलर का था और जो टाइल्स थे वो आप देखिए, और उसके साथ ही किचन के साथ ही लगी हुई यूटिलिटी भी है, ये गैस स्टोव यहाँ पे रखा हुआ था मैंने। बर्तन धोने के लिए सिंक हमारे राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा, उसके साथ ही लगी हुई यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी में मैंने डिश वॉशर एंड एक कैबिनेट एंड फिर वॉशिंग मशीन, फिर पाइपलाइन गैस एंड सारी चीज़ें जो भी मतलब जितनी भी सारी चीज़ें मैं ला करके रख सकती थी वो मैं यहाँ पे स्टोर करती थी। तो यूटिलिटी कम पैंट्री बोल लीजिए या यूटिलिटी कम एवरीथिंग एल्स, ये एक तरीके से मेरा स्टोरेज का काम करता था अच्छा खासा। तो किचन का जो भी सामान है ऐसे हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी स्पेसिंग इन लॉफ्ट्स बनवाई हुई थी, बट घर है और घर में सामान आता ही रहता है और आपको स्टोरेज हमेशा कम ही पड़ता है। ये हमारा पूजा यूनिट था जो स्पेसिफिकली हमने किचन के पास डायरेक्शन देखते हुए बनवाया था और फॉल सीलिंग जैसा कि मैंने आपको बोला जहाँ कहीं पर भी ऐसा कुछ हमें हाईलाइट करना था तो उसके ऊपर में लाइट्स आपको डेफिनेटली दिख जाएंगे। तो ये पूरा एक्सटेंडेड हमारा लिविंग स्पेस था, डाइनिंग स्पेस था, किचन, यूटिलिटी, बालकनी था। नाउ दिस वाज आवर मास्टर बेडरूम। मैंने वीडियो उल्टी पुल्टी ले ली है बट आई विल शो यू द करेक्ट वीडियो एज वेल। तो ये वहाँ का मास्टर बेडरूम था जिसमें कि वुडन फ्लोरिंग की हुई थी, ये वहाँ पे बेड लगा हुआ है और बेड के पीछे हमने डूको का
बोर्ड और पेंटिंग करवाई हुई थी। नाउ बेड के ठीक सामने अच्छी खासी लंबी चौड़ी मेरी कैबिनेट्स, मेरा स्टोरेज अच्छा खासा था वहाँ पे, सारे ड्रॉअर्स एंड कैबिनेट्स, क्लोजेट मेरा बना हुआ था, वार्डरोब्स थे मेरे। एंड ये मेरा सेकेंड बेडरूम था वहाँ पे, तो सेकेंड बेडरूम में भी ये वहाँ का बेड है। वैसे आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी सारे बेड्स गायब हो गए, बिकॉज़ जैसा मैंने आपको बोला हम साथ में पैकिंग एंड शिफ्टिंग दोनों कर रहे थे, ताकि मेन डे ऑफ शिफ्टिंग में हमें उतना ज़्यादा ये नहीं हो, मतलब परेशानी नहीं हो। तो अभी आप इसको अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे, और दोनों में अटैच्ड बाथरूम थे। ये व्यू है मेरी यूटिलिटी से, तो बहुत ज़्यादा उस दिन बारिश और बिजली कड़क रही थी, बारिश होने वाली थी, सो आई जस्ट थॉट कि थोड़ा कैप्चर करते हैं। और ये इट्स अ हाई राइज बिल्डिंग जहाँ पे हम रह रहे थे इसके पहले, और वही मैं आपको पूरी ऊपर तक दिखा रही हूँ। नाउ दीज वर द बाथरूम्स, तो ये कॉमन बाथरूम था, या ये कॉमन बाथरूम गेस्ट रूम के साथ अटैच्ड था। और ये वहाँ पे हर जगह हमने गीज़र लगाया हुआ था, एंड प्रॉपर टाइल्स एंड स्किड स्किड प्रूफ टाइल्स बोल सकते हैं, ताकि आप स्किड ना करें बाथरूम में, वो लगी हुई थी। उसके साथ में हमने बगल में काफ़ी बड़ा सा मिरर, नॉट दिस वन विच यू आर सीइंग, इससे भी बड़ा मिरर हमने लगवाया हुआ था। एंड उसके सामने में भी बेसिन एंड कैबिनेट्स हर जगह थे। हाँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये और भी एक्सटेंडेड है, काफ़ी बड़ा, पूरा ऊपर तक है ये, तो ये फुल्ली ऊपर तक कवर करता था ये मिरर, बेसिन एंड देन कैबिनेट। नाउ यहाँ से एंट्री होती थी हमारे मास्टर बेडरूम की, और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे मास्टर बेडरूम के साथ ही हमारा टॉयलेट अटैच था, राइट हैंड साइड में वुडन फ्लोरिंग की हुई है। और ये सारा कैबिनेट जो मैंने आपको बताया एक्सटेंडेड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, ये मेरा था, और मैं अपना सारा सामान इसमें इजीली स्टफ कर लेती थी। फिर उसके साथ ही अटैच हमारी बालकनी भी थी, तो बालकनी में एज़ यूजुअल जैसे आप मुझे यहाँ पे इस विला में टेरेस फार्मिंग करते हुए देखते हैं, जैसा मैंने आपको बोला बेड्स हम मूव कर चुके थे, तो कुछ वीडियोस बेड के पहले मूव करने के पहले की हैं, कुछ बाद की हैं। फिर हम नीचे में ही गद्दा बिछा कर सो रहे थे, बिकॉज़ कुछ दिनों के बाद ही हमें शिफ्ट करना था। तो ये उससे अटैच्ड बालकनी है एक, और जैसा कि मैंने आपको बताया तीन बालकनीज थी इंक्लूडिंग यूटिलिटी। तो यहाँ पर हमने कपड़े सुखाने का हैंगर लगा रखा था, और सारे प्लांट्स एंड जो भी मुझे पसंद था कि हाँ मैं उगाऊँ एंड ऑल दैट, मनी प्लांट एंड ऑल दैट स्टफ, एवरीथिंग यहाँ पे मैं लगती रखती थी, लगाती थी उनको। और काफ़ी सारे प्लांट्स मैं वहाँ से भी यहाँ पे ले करके आई। तो ये था बालकनी, डिसेंट साइज़ का था, अच्छा था, बैठते थे हम लोग वहाँ पर भी काफ़ी टाइम, जब भी मौका मिलता था, खाली समय मिलता था। तो ये रूम काफ़ी बड़ा सा, लंबा सा है, मास्टर बेडरूम काफ़ी बड़ा और अच्छा था, एंड उसमें पूरे में वुडन फ्लोरिंग की हुई थी वहाँ पे। और बेड क्योंकि हमने मूव करवा लिया था, तो फ़िलहाल अभी हम नीचे ही सो रहे थे जब हमने शिफ्टिंग यहाँ पर नहीं करी थी, तब की बात बता रही हूँ आपको। तो ये था हमारा 3 बेडरूम्स का, 3 BHK अपार्टमेंट या 3 BHK फ्लैट कह लीजिए। तो वही मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये स्पेसिफिकली सामने से दिखा रही हूँ बेड के पीछे की। और ये जो हमारा सेकेंड बेडरूम था, तो सेकेंड बेडरूम का वो कैबिनेट आप सारे कार्टन बॉक्सेस देख पा रहे होंगे, ये वॉलपेपर लगा हुआ है, ऊपर में लाइटिंग की हुई है, कैबिनेट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें तो हमें डिस्पोज करनी पड़ गई, बिकॉज़ यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद उनको रखने का स्पेस ही नहीं था। स्पेस इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे अब बहुत सारी नई चीज़ें भी बनवा रहे थे, तो जो आपका ओल्ड फर्नीचर है कहीं ना कहीं पे आपको उसको डिस्पोज करना पड़ता है, बिकॉज़ आप नया भी रखोगे पुराना भी रखोगे पर यूज़ होगा नहीं। तो ये सारे कैबिनेट्स एंड ऑल जो आप देख पा रहे हो मैक्सिमम हमने डिस्पोज कर दिए। और ये जो थर्ड बेडरूम था हमारा, तो इसमें का भी बेड हमने मूव करवा दिया था, और इसमें सिर्फ आपको सामान और हमारे सारा पैकिंग, एंड घर थोड़ा बिखरा बिखरा सा था, पर खैर ठीक है, शिफ्टिंग हो गई, सारी चीज़ें ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, फिर मिलती हूँ आपसे।